कोई बाहर का कुछ दे रहा हो तो खाना मत, तो उन्होंने ये दिखा दिया कि हाँ भाई मत ही खाना है। नॉर्मली हॉरर मूवीज तो हमने बहुत दिखा है 1920 वगैरह एंड ऑल, बट दिस वाज अ बिट डिफरेंट। ये पिक्चर देखना चाहिए, वर्थ टू सी। मैसेज ये है कि बस अगर कोई सामान कुछ दे तो खाना नहीं चाहिए। मैंने अभी तक के लाइफ में पहली पिक्चर ऐसा देखा है जिसमें सिर्फ 3 से 4 कास्ट ने पूरी पिक्चर को 2 घंटे तक हिला के रख दिया। सुपरनैचुरल थ्रिलर शैतान आज बड़ी उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इस थ्रिलर फिल्म में अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका और जानकी बोरीवाला मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म को देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं। आइए देखते हैं कि फिल्म देखने के बाद दर्शकों की क्या राय है। शैतान से डरने वाला तो इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब इतना हॉरर नहीं दिखाया गया था जितना कि ट्रीजर में दिखाया गया था, वैसा हॉरर नहीं था। बट पिक्चर ने पूरे बांध के रखा था और कोई पब्लिक हिल डुल नहीं थी, पूरा साइलेंट था, ऐसा लगता लिटरली में कुछ ना कुछ होने वाला है। मतलब मैंने अभी तक के लाइफ में पहली पिक्चर ऐसा देखा है जिसमें सिर्फ 3 से 4 कास्ट ने पूरी पिक्चर को 2 घंटे तक हिला के रख दिया, 3 घंटे तक। ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। अमेजिंग अमेजिंग थ्रिलिंग अमेजिंग वेरी थ्रिलिंग। केमिस्ट्री बेटर बहुत अच्छी थी, बट अजय देवगन वैसे ही बहुत अच्छा एक्टर है, बट आर माधवन ने ये मूवी ले ली, स्टोल द शो। या उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, बट अजय देवगन एंड आर माधवन, ओ माय गॉड, एंड द गर्ल हु वाज पजेस्ड, ग्रेट ग्रेट। सेकेंड हाफ वो तो खुला के देख ले। वो शैतान कैसा लगा? शैतान में शैतान नहीं है, ठीक ठाक मूवी है, इतना डरावना नहीं है, कुछ भी नहीं है खास। एक्टिंग अच्छी है, विलन भी अच्छा है, होपलेस हीरो है, कुछ कर नहीं पाता। लास्ट का अगर 15 मिनट तक छोड़ दे तो पिक्चर कुछ भी आगे बढ़ता ही नहीं, बस चलते रहता है चलते। बहुत ही अमेजिंग मूवी है, इंडियन हॉरर मूवीज़ में वन ऑफ द बेस्ट मूवी एवर मेड। लाइक ब्लैक मैजिक के ऊपर पास्ट में भी काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह बनी है, बट आई डोंट थिंक कि इतनी अच्छी मूवी कोई भी बनी है। इसीलिए लाइक जनरली इंडियन हॉरर मूवी फैंस के जो ऑडियंस होते हैं वो बाहर की मूवीज़ देखना प्रेफर करते हैं, एनाबेल या फिर द नन वगैरह, बट क्योंकि उनको ये होता है कि इंडियन हॉरर मूवीज़ में स्टोरी अच्छी नहीं है, एक्टिंग अच्छी नहीं है, बट ये मूवी सच में सबके परसेप्शन चेंज कर देगी। बिकॉज इसको देखने के बाद आई स्वेयर गूज़बम्स आ रहे थे, अभी तक मेरे दिमाग में यही चल रहा है। आर माधवन सर की परफॉर्मेंस लाइक मैंने पहले देखी नहीं उनको नेगेटिव लीड में, आई गेस पहली है या तो उन्होंने नेगेटिव लीड को जस्टिफाई किया है। उनके जो कैरेक्टर का ग्राफ है उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया, जब वो विलन के गेटअप में आते हैं, वो तांत्रिक वाले गेटअप में, उस वक्त आई स्वेयर चिल्स आ रहे थे उनको स्क्रीन पर देख के, कि मतलब उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि जैसे हमें बचपन से सिखाया जाता है कि कोई बाहर का कुछ दे रहा हो तो खाना मत, तो उन्होंने ये दिखा दिया कि हाँ भाई मत ही खाना, इतना अच्छा मैं सीखा। अजय देवगन सर का लास्ट में एक डायलॉग है, अगर तो एक माँ है तो उससे बड़ा भगवान कोई नहीं होता। ज्योतिका मैम ने उस रोल को जस्टिफाई कर दिया कि अगर वो माँ है तो वो कुछ भी कर लेगी अपने बच्चों के लिए। जिस तरीके से वो माधवन सर से फाइट करती हैं मूवी में, वो चीज़ भी जस्टिफाई कर रही है वो, कि मतलब उनको पता है कि मूवी में कैसे एक्टिंग करनी है, अपने बच्चों के लिए कैसे करना है। उनका जो कैरेक्टर है, माँ का कैरेक्टर, वो उन्होंने जस्टिफाई किया। फर्स्ट हाफ में तो स्टोरी बिल्डअप हो रही थी, सेकेंड हाफ में जो चिल्स आए, जो सीन्स आए हैं, जिस तरीके से वो नेगेटिव लाइक ब्लैक मैजिक को पूरा पोर्ट्रे किया गया है, तो सेकेंड हाफ तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। फर्स्ट हाफ में वो स्टोरी डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा फ्लो। शैतान जैसा नाम है टाइटल वैसे ही पिक्चर भी वैसे ही है। माधवन का रोल बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन। अजय का भी अच्छा रोल है, क्लाइमेक्स में उसका काम बहुत अच्छा है। हाँ वो उसके सपोर्टिंग रोल में दोनों है, माँ बेटी अच्छा जम रहा है ऐसा। एक ही बंगलों में पूरा पिक्चर बना दिया है, पैसा थोड़ा बचा दिया है ऐसा। सेकेंड हाफ क्लाइमेक्स बेहतरीन है एकदम, लास्ट में पिक्चर देखना चाहिए, वर्थ टू सी। मुझे बहुत अच्छी लगी शैतान मूवी, क्योंकि एक्टिंग वाइज, डायरेक्शन वाइज या फिर मतलब आप स्क्रिप्ट वाइज किसी भी वाइज बोले, मुझे हर तरह से बहुत अच्छी लगी। मैं एक सेकंड के लिए भी डिस्कनेक्ट नहीं हुई, तो फॉर मी तो इट्स वेरी नाइस मूवी। अजय देवगन और आर माधवन की ऐसा केमिस्ट्री जैसे लगी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। आर माधवन सर इज अमेजिंग एज यूजुअल, हमेशा की तरह सर तो हमेशा बेस्ट ही होते हैं। देखते हैं दर्शक फिल्म को कितने स्टार देते हैं। 5 1 5 4 9
3 5 में से 5 3.5 2.5